नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं जीबी 24। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। पहले मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को रोमांचक मुकाबले में 2 विकेट से हराकर जीत के साथ आगाज किया। इसी ओर टीम के लिए हर मुकाबला जरूरी, क्योंकि यहां से हर एक परफॉर्मेंस पर सेलेक्टर्स की नजर रहेगी, क्योंकि अगले साल T20 विश्व कप है और विश्व कप से पहले भारत के पास बहुत ज्यादा T20 मैच नहीं है, तो ऐसे में हर एक खिलाड़ी खुद को साबित करने का ये सुनहरा मौका होगा। वहीं आपको बता दें कि इस मैच पर बारिश का खतरा भी मंडरा रहा है। कल बारिश हुई थी और आज भी बारिश के आसार है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही पांच मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने 209 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करते हुए मैच को 2 विकेट से अपने नाम किया था। पहले मैच में कप्तान सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन के बल्ले से जहां अर्धशतकीय पारी देखने को मिली थी, वहीं रिंकू सिंह ने भी मैच फिनिश की भूमिका को बखूबी अदा किया था। हालांकि भारतीय टीम के गेंदबाजों की तरफ से खराब प्रदर्शन देखने को मिला था, जिसमें वो सिर्फ 2 विकेट ही हासिल करने में कामयाब हुए थे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहले मैच में जॉश इंग्लिश ने 50 गेंदों में 110 रनों की शानदार पारी खेली थी। आपको बता दें, दोनों टीमों के बीच अब दूसरा मुकाबला तिरुवनंतपुरम के मैदान पर भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। यहाँ की पिच को लेकर बात की जाए तो मौसम को देखते हुए तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब तक ग्रीनफील्ड क्रिकेट स्टेडियम में 3 T20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया है, जिसमें लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने 2 मैचों में जीत हासिल की है, तो एक बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम मैच को अपने नाम करने में कामयाब हुई है। भारतीय टीम को 3 में से 2 में जीत जबकि 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। इस मैदान पर पहली पारी का औसतम स्कोर 114 रन ही है, तो ऐसे में जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी वो आक्रामक शुरुआत की जगह संभल संभल कर खेलना चाहेगी। वहीं तिरुवनंतपुरम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश होने का सिलसिला जारी है, ऐसे में इस मुकाबले के दौरान बारिश खलल डाल सकती है। एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार मैच के दौरान जहां अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, तो वहीं बारिश होने की 20 से 25% तक की संभावना जताई जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। स्पोर्ट्स से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जीबी 24।